इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। अरे आज आप जल्दी वापस आ गए। मेरा घर मेरी मर्जी, मैं कभी भी जाऊं तुझे क्या प्रॉब्लम है? मैं तो ऐसे पूछ रही थी। ऐसा इलाज करूंगा आज के बाद पूछ ही नहीं पाएगी कुछ। मैम ने घर पे गॉगल्स क्यों पहन रखे हैं? कहीं मैम को कंजक्टिविटी तो नहीं हुई है? साइलेंस, क्लास में कोई भी गप्पे नहीं मारेगा। नेक्स्ट वीक तुम लोगों के बोर्ड एग्जाम्स और मैं चाहती हूँ कि तुम सबके 80% से भी ज्यादा मार्क्स आए, समझे? यस मैम। गुड, अब हम मैथ्स का प्रॉक्सी पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो पेपर नंबर 3 निकाल। मैम प्लीज ठंडा पानी मिलेगा? मैम मुझे भी चाहिए। ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए एकदम ठंडा नींबू पानी लेकर आती हूँ, लेकिन तब तक तुम ये पेपर सॉल्व करोगे, ठीक है? अरे मम्मी जी, आप क्या कर रही हैं? बस थोड़ी सी चाय बना रही हूँ। अरे आप मुझसे कह देती मैं बनाती, अब आप आराम कीजिए मैं बना देती हूँ। अरे नहीं बहू, घर का काम करने के साथ साथ बच्चों को भी पढ़ाती हो, ये कम है क्या? पर मम्मी जी। पर वर कुछ नहीं, मैं खुद बना लूंगी, अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ, हाथ पाँव चल रहे हैं मेरे। जा तू बच्चों को पढ़ा। जी। थैंक यू मम्मी। चलो ठंडा ठंडा नींबू पानी आ गया। थैंक यू मैम। तुम भी लो। थैंक यू मैम। आज आप जल्दी आ गए? हाँ वो ऑफिस में कम काम था। बेटा तो अंदर जाकर बैठ, मैं तेरे लिए पड़ोस से बर्फ लेकर आती हूँ। पता है ना, शाम को विस्के के साथ बर्फ चाहिए होती है मुझे, पता है ना तुझे? जी वो मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, पैसे कमाता हूँ, और घर आके बर्फ भी नहीं मिलती। राकेश छोड़ दे बहू को। इसे कहाँ पता था कि तू जल्दी आने वाला है, नहीं तो ऐसा नहीं करती ना।
पांच छोड़ दीजिए मम्मी को। हैं? ओ अपनी मम्मी के चमचे, चल जाए काम कर, कोल्ड ड्रिंक ले क्या? जा। अरे उसको क्या देख रहा है, कोल्ड ड्रिंक ले क्या? करण जा, पापा के कोल्ड ड्रिंक लेकर आ जा। जा। चलो बेटा जाओ तुम, चलो। सुनिए अभी उनके क्लासेस पूरे नहीं हुए, उनके बोर्ड एग्जाम्स है नेक्स्ट वीक। मेरे से जाना जरूरी है के? मैंने आपके लिए रात का खाना बना दिया। 18 साल हो गए शादी के, तुझे पता है ना विस्की के साथ जो भजिया चाहिए होती, सलाद चाहिए होती, उसके बाद खाना खाता हूं मैं। क्लास खत्म कर और जाके भजिया तल मेरे लिए, चल। चलो बेटा जाओ। भजिया ला। ये क्या हुआ, लग गई जी? ओ दर्द हो रहा होगा ना? ला मैं ठीक कर देता हूं। आज नहीं, आपके मुंह से शराब की स्मेल आ रही। अब तो नहीं आ रही ना स्मेल? छोड़ी मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ी मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मैं छोड़ देता हूं। मुझे मना करेगी तू? छोड़ी मैं ला रही थी ना तुझे। छोड़ी मुझे, छोड़ी, छोड़ी, छोड़ी। बेटा तू कभी अपने बाप की तरह मत बनना, कभी शराब की बोतल को हाथ मत लगाना, वादा कर बेटा। देखते हैं आज खाने में क्या भेजा है। राकेश आजकल गोभी सस्ती हो गई है क्या? पता नहीं सर, क्यों? क्योंकि मेरी बीवी ने हफ्ते में आज तीसरी बार ये आलू और गोभी की सब्जी भेजी है, परेशान हो गया हूँ एक ही सब्जी खा खा कर। अरे तो सर आप ये लीजिए ना, सोनल ने आलू पालक भेजा है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन सॉरी मैं तुम्हारा टिफिन नहीं खा सकता। सर कैसी बात कर रहे हो, लीजिए लीजिए। अरे नहीं राकेश, ले लेता हूँ। अरे नहीं राकेश, बहुत बढ़िया, सोनल भाभी तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो सर कभी डिनर और ड्रिंक पे आइए हमारे। राकेश तुम तो जानते ही हो मैं ड्रिंक नहीं करता, लेकिन हाँ डिनर के लिए जरूर आ सकता हूँ, क्योंकि आज शाम को ही मेरी बीवी 2 दिन के लिए अपने मायके जा रही है। तो सर ऑफिस के बाद शाम को साथ में ही चलते हैं, घर पे डिनर करते हैं। ठीक है। आइए सर, आइए। सोनल, सोनल, सर नमस्ते। सर मेरी वाइफ सोनल, बेटा करण। हेलो। और मेरी माँ। नमस्ते। नमस्ते बेटा। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी भाभी जी। अरे इसमें थैंक्स कैसा, आप ही का घर है, कभी भी आइए। सोनल
खाना लगाओ। डायरेक्ट खाना लगा तू, आज भजिया नहीं तलो? भजिया? खाने के टाइम पे भजिया कौन खाता है? जाओ खाना लगा। शुरू करिए आप। अब दो मिनट में आता हूँ। ओके शुरू कीजिए। तो करण, पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? फ्यूचर के क्या प्लान? अब अंकल वैसे मुझे फाइनेंस में इंटरेस्ट है, तो कॉलेज फिनिश करके फिर MBA करूंगा। गुड। करण पढ़ाई में बहुत ही अच्छा है, बहुत मेहनत करता है। मैं तो चाहती हूँ कि ये आप ही की तरह किसी बड़ी कंपनी में बड़ी पोस्ट पे काम करे। अच्छे ग्रेड्स मिलने से सब पॉसिबल है भाभी, जस्ट वर्क हार्ड यंग बॉय। थैंक यू अंकल। अब खाइए ना। मजा आ गया, बहुत अच्छा खाना था। थैंक यू। अरे बहू, मीठा तो लेके आना। हाँ ले आती। अरे अरे नहीं आंटी जी, सोनल भाभी ने इतना अच्छा खाना खिलाया कि उसी से पेट भर गया, अब पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं। पर थोड़ा सा तो लीजिए। अरे नहीं नहीं भाभी जी, बस थैंक्स, अब मैं चलता हूँ। अरे भाई राकेश, आज तो बहुत मजा आया घर का खाना खाकर। अच्छा माँ जी, चलता हूँ, अच्छा लगा आपसे मिलकर। ठीक है बेटा, आते हैं। जी भाभी, खाना बहुत अच्छा था। थैंक यू। ओके राकेश, चलता हूँ। थैंक यू सर। चले जाना उसके साथ। क्या? उसको भी ले जा। कुछ गलती हो गई क्या मुझसे? नहीं भोली मत बन। क्या बोल रही थी? कि मुझे अपने बेटे को उसके बाप के जैसा नहीं बनाना, बाप के बॉस जैसा बनाना। बना ले इसे, चली जा उसके पीछे, ले जा इस नालायक। तो ये पापा और मम्मी को क्या सुना रहे? मुझे खुद आप जैसा नहीं बनना है। वाह, इसके भी कान भर दिए। बहू ने इसके कान नहीं भरे हैं, तेरी हरकतों की वजह से ये तुझसे नफरत करता है। तू जैसा बाप प्यार और इज्जत के लायक ही नहीं है। मेरी कौन सी कमी रह गई थी मेरी परवरिश में, आज ऐसा है। वाह, तेरी माँ को भी मुझसे नफरत हो गई है, तो क्यों रह रहे हो यहाँ? चलो छोड़ आता हूँ। अरे छोड़, मेरी बात सुन, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। देखिए मेरे दिल में तो आप ही है ना। अच्छा, मैं रहता हूँ तुम्हारे दिल में? चल दिखा। पापा, अम्मी। Guys, guess what? वैसे तो बर्थडे पे बर्थडे बॉय को सरप्राइज मिलता है, right? लेकिन आज बर्थडे बॉय के पास तुम सबके लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है बता? तुझे पता है? क्या हुआ यार? क्या है? तुझे पता है? Guess what? मेरे 18th बर्थडे पे मेरे अमेरिका वाले अंकल ने मेरे लिए एक सरप्राइज भेजा है। दा 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 दा। क्या यार, तेरे अंकल तो बड़े कूल है।
अब तो हम सबकी लीगल एज भी हो गई है। चलो मैं तुम सबके लिए ड्रिंक बनाता हूँ। आई एम सो एक्साइटेड, आज मैं पहली बार किसी का बर्थडे ड्रिंक्स के साथ सेलिब्रेट कर रहा हूँ। इधर आ। अरे लेना, तेरे भाई का बर्थडे, एंजॉय कर। अरे पकड़ना। चीज शराब कोई सेलिब्रेशन की वजह नहीं है, बर्बादी की वजह है। यार बॉस ने हमें ये कार टेस्ट ड्राइव करने के लिए दी है, हा? और तू बीच सड़क में गाड़ी को पार्क करके और ये पैग लगवा रहा है। बॉस पूछेगा परफॉर्मेंस कैसा रहा गाड़ी का, तो क्या हम बताएंगे? इंटरनेट है ना, रिव्यूज देखो, बाकी डीलर्स के जो रिव्यूज हैं वही बता दो। डरता नहीं है ना? अगर बॉस को ये पता चलेगा तू हर टेस्ट ड्राइव में यही पैग लगाता है तो क्या डरता हूँ क्या उससे मैं? दो गोड़ी का दिमाग नहीं है उसके अंदर, हमसे अच्छे कॉलेज में क्या पढ़ लिया, बॉस बन गया हमारा। एक मिनट, फोन आ रहा है उसी को। हेलो सर, तुम जो कार लेकर गए हो उसके लिए एक बायर मिला है, मैं तुम्हें क्लाइंट का एड्रेस भेज रहा हूँ, फौरन उनके घर जाओ और उन्हें कार की टेस्ट ड्राइव करवाओ। ओके सर, ओके सर, ओके। गाड़ी लेके क्लाइंट के पास जाना है मुझे, बाद में ऑफिस में मिलते हैं। भाई तूने बहुत पी ली है यार, गाड़ी कैसे चलाएगा? फिक्र मत कर, प्रैक्टिस है मेरी, जा। पक्का? ये रख। पता नहीं कैसे जाएगा। अक्सर खुशी के मौके पर कुछ लोग शराब पीते हैं, पर जब कोई इस शराब का आदी हो जाए और अगर उसे इसकी लत लग जाए और वो शराब के बिना अगर जी नहीं पाए तो उस इंसान के और उसके परिवार वालों की जिंदगी नरक बन जाती है। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और आज आपको शराब से पीड़ित एक परिवार से मिलाती हूं। सोनल को अपने ससुराल में माँ जैसी प्यार करने वाली सास तो मिली, लेकिन उसके पति के शराब की लत की वजह से उसे कई अत्याचार और घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। घरेलू हिंसा कानूनन जुर्म है, बावजूद उसके हमारे देश के हर तीसरे घर में ये जुर्म होता ही है और कई महिलाओं ने अपने ऊपर हो रहे इस जुर्म को इस कदर अपना लिया है कि वो इसके खिलाफ आवाज उठाने की, पुलिस कंप्लेन करने के बारे में तब तक नहीं सोचती जब तक पानी सर के ऊपर से ना चला जाए। राकेश के नशे की लत अब घर से उसके ऑफिस तक जा पहुंची थी, इसका अंजाम क्या होगा आइए देखते हैं। इतनी महंगी गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया, तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है? सर मेरी गलती नहीं थी सर, सर वो सामने से आ गया। सर सर मेरी बात तो सुनिए सर, सर 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 मेरी बात तो सुनिए सर, सर आज के बाद ऐसी गलती नहीं, दोबारा ऐसी गलती करने का मौका भी नहीं मिलेगा। यू आर फायर्ड। फायर्ड? आप मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते। शट अप। एक तो तुमने ऑफिस आवर्स में शराब पी, ऊपर से शराब पीकर इतनी महंगी गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया। तुम नशे में थे इसलिए मुझे इंश्योरेंस के पैसे भी नहीं मिलेंगे। शुक्र मनाओ कि कंपनी को जो नुकसान हुआ है उसके पैसे तुमसे नहीं ले रहा। अरे शुक्र तो तुम मनाओ, 15 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। ये कंपनी सिर्फ तेरी बनाई हुई नहीं है, इस कंपनी को हमने भी बढ़ाया है। ये अकड़ कहीं और जाकर दिखाना। मेरी वजह से तुम पर ड्रिंक एंड ड्राइव का केस नहीं बना, वरना सड़ते जेल के अंदर। अब यहाँ से जाते हो या सिक्योरिटी को बुलाऊं? हाँ जा रहा हूं, ऐसी 1000 नौकरियां मिलेंगी मुझे। अरे आज आप जल्दी वापस आ गए।
मेरा घर मेरी मर्जी, मैं कभी भी आऊँ कभी भी जाऊँ, तुझे क्या प्रॉब्लम है? मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। नहीं, तेरे ऐसे ही पूछने से है ना मेरे कान में दर्द हो रहा है। ऐसा इलाज करूंगा आज के बाद पूछ ही नहीं पाएगी कुछ। अरे जिंदगी में पनौती है तू, पनौती। जब से शादी हुई है जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी। जान से मार दूंगा आज मैं तुझे, नहीं छोड़ूंगा। मम्मी, अरन क्या हुआ, तू ठीक है? मैं ठीक हूँ। शिट, 10 बज गए यार, अभी तो 2 चैप्टर लर्न करना बाकी है। हाँ, कब लगे पता ही नहीं चला। सुनो, तूने मुझे उठाया क्यों नहीं? यार मैं कब से तुझे उठाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तू उठ ही नहीं रहा था। तू नींद में सिर्फ मम्मी मम्मी कह रहा है। तू सच में ठीक है ना करण? यार सूरज, वो घर में, यार अभी कॉलेज चलते हैं ना, नहीं तो क्लास में टीचर बैठने नहीं देंगे। बहुत लेट हो गया यार। अभी आप और पियेंगे या खाना लगा दो आपके लिए? जवान है मेरे पास, कुछ चाहिएगा तो आवाज दे लूँ। या किचन में जाके बैठ, आवाज दूँ तो गर्मा गर्म रोटियां लेके आना। मम्मी, ये सब कब तक चलेगा? आप सुबह 6 बजे उठकर घर के सारे काम करती हो और पापा की वजह से आपको लेट नाइट तक जागना पड़ता है। और उनकी नौकरी चली गई तो इसका मतलब थोड़ी कि आपको दिन में आराम नहीं करने देंगे। आप उनकी बीवी हो, नौकरानी नहीं। देख करण, ऐसी बात नहीं है। एक पत्नी का फर्ज होता है कि वो अपने पति का साथ दे। ऐसा नहीं करते। अरे पुराने जमाने की सोच छोड़ो मम्मी, और पापा ने कब पति होने का फर्ज निभाया जो आप उनकी इतनी सेवा करती हो? बस करण, देख मेरी बात सुन। पापा है वो तेरे, उनकी नौकरी चली गई है, वो परेशान है। उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए बल्कि सपोर्ट करना चाहिए। ये सपोर्ट के लायक है ही नहीं मम्मी। उनकी नौकरी गई, उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। शराब के नशे में गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया जिससे कंपनी का लाखों का नुकसान हो गया, उसके लिए वो सॉरी भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ मम्मी, आप उन्हें डाइवोर्स दे दो। करण, पागल हो गया क्या तू? हाँ, डाइवोर्स समझ में आ रहा है तू क्या बात कर रहा है? डाइवोर्स लेके जाएंगे कहाँ? अरे हम इंडिया में रहते हैं, विदेश में नहीं। मेरी तो लाइफ बर्बाद होगी होगी, साथ में तेरे भी होगी। कोई भी डाइवोर्सी कपल के बेटे को अपनी बेटी नहीं देगा शादी करने, समझ रहे तू? लेकिन आप अभी से ये सब क्यों सोच रहे हो? देख कर, बस हो गया, अब तो अपने पापा के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेगा। पति है वो मेरे, मैं एडजस्ट कर रही हूँ तो भी कर, समझा? आपको समझा के कोई फायदा नहीं है। ए बेटा करण, क्या कभी अपने बाप के पास भी बैठ जाया कर? सारा दिन अपनी माँ के पल्लू में घुसा रहता है, कमरे में बैठा रहता है। इधर इधर आ बेटा। देखिए, ना ही मुझे आपसे कोई बात करनी है और ना ही मुझे आपके पास बैठना है, समझे आप? वो तो बदतमीज हो गया तू। ए, रुक, मैं बताता हूँ तुझे। अरे संभल के बेटा, संभल के। मत, मेरा बेटा मुझसे कैसे बात करता, देखा? हाँ, लेकिन बेटा इसमें तेरी भी तो गलती है। मेरी क्या गलती है माँ? ये शराब की लत का नतीजा है बेटा, अपनी माँ का कहा मान ले, तू शराब छोड़ दे। तुझे पता है अपने शहर में नशा मुक्ति केंद्र भी है। ये लेक्चर मत दे माँ। लेक्चर नहीं दे रही हूँ बेटा, मैं तो बस समझा रही हूँ। तुझे नौकरी पर शराब नहीं पीनी चाहिए थी। देख बेटा, तू अपने बॉस से माफी मांग ले, शायद तुझे फिर से नौकरी पर रख ले। अरे नहीं मांगनी माफी वाफी मुझे किसी से, ऐसी 100 नौकरी आएंगी 100 जाएंगी। अगर दूसरी नौकरी नहीं मिली तो बेटा
बहू के कंधों पर घर चलाने की जिम्मेदारी डालना ठीक नहीं है। अच्छा, आपको लगता है इसकी कमाई से घर चल रहा है? ये बिजली का बिल नहीं भर सकती है। जो घर चल रहा है ना, ये मेरी सेविंग से चल रहा है और चलता रहेगा। क्या हुआ? क्या रे, क्या भड़काते हैं मेरी माँ को? बहू ने कुछ नहीं कहा है। हम, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, अपने बेटे से ज्यादा आपको अपनी बहू प्यारी है? हाँ, हेलो। हेलो मिस्टर राकेश चतुर्वेदी। हाँ जी, बोल रहा हूँ। जी, मैं करण के कॉलेज की सुपरवाइजर बात कर रही हूँ। मुझे करण के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। अब, हाँ जी मैम, बोलिए। करण बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है, लेकिन कुछ टाइम से उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। आपके घर में कोई टेंशन तो नहीं चल रही है? नहीं जी, हमारे घर में तो सब ठीक है। तो प्लीज आप करण से बात कीजिए कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अगर उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव नहीं हुआ तो वो फेल हो सकता है। मैं बात करूंगा मैडम, फेल नहीं होगा मेरा बेटा। जी, ओके। लेकर जूस पे नहीं चाहिए मुझे, जाके अपने पति परमेश्वर को दो ना। ये क्या किया आपने? मेरी बुक खराब कर दी आपने। अरे फेंक दे बुक, जब फेल ही होना है तो। फेल होना है? ये आप क्या कह रहे? इसके कॉलेज से फोन आया, सारे एग्जाम्स में नंबर कम है। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, पैसे कमाता हूँ, इसकी फीस भरता हूँ, और ये मेरे पैसे बर्बाद करता है। आप पैसे शराब में बर्बाद कर सकते हैं, तो मैं पढ़ाई में नहीं कर सकता। करण, बस। नहीं मम्मी, आज सिर्फ मैं बोलूंगा। मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। पहले रात भर शराब पीकर ड्रामा करते थे, और अब जब से बेरोजगार हुए पूरे दिन घर में पड़े रहते हैं, ड्रामा करते हैं आप। ये बिहेवियर आपका, ये वॉयलेंस देखा नहीं जाता मुझसे। अरे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता मैं, फोकस नहीं कर पाता हूँ, और मैं फेल हो रहा हूँ ना सिर्फ आपकी वजह से। मैं मम्मी नहीं हूँ जो आपको भगवान मार कर आपकी मार खाता रहूँ, समझे आप? अरे बाप पर हाथ उठाएगा तू? जॉन से मार दूंगा तुझे। छोड़िए। मम्मी, तो लगी तो नहीं? जॉन से मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं आज। प्रिया आप क्या कर रहे? तुम जैसी औलाद होने से अच्छा है बे औलाद होना। जॉन से मार दूंगा। चाकू नीचे रखो, चाकू नीचे रखो। पुलिस? हाँ पुलिस, मैंने बुलाया है इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लीजिए, ये हर रोज शराब पीकर घर में हंगामा करता है, मेरे पोते और बहू को परेशान करता है। अगर आज आप सही वक्त पर नहीं आते तो ये मेरे पोते को जान से मार देता। अरे नहीं, चुप, अरेस्ट कर लो इसे। अटेम्प्ट टू मर्डर और डोमेस्टिक वायलेंस की चार्जशीट तैयार करो इसकी। बात तो करने दो। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं किसी को नहीं मारना चाहता, घर में झगड़ा होता है, घरेलू झगड़ा था, झगड़ा ही तो करता है। सुनो, बोलना।
बहू से नहीं अपनी माँ से बात कर। माँ ये गलती हो गई, मुझसे झगड़ा हो गया। अब गलती हो गई तो अपने बेटे को जेल में भेज देगी। इंस्पेक्टर साहब, वो नौकरी छूट गई है मेरी, फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ मैं। कहाँ निकालूँ गुस्सा बताओ, घर में ही निकालूँ ना। हो गया झगड़ा, मारना थोड़ी चाहता हूँ किसी को मैं। मुझे पता कि आप नाटक कर रहे हो और पुलिस ऑफिसर के चाहते या फिर से माँ को मारोगे। अरे नहीं, नहीं, नहीं बेटा, ऐसा करूंगा मैं, ऐसा लगता है। नहीं बेटा, माँ मैं शराब छोड़ दूंगा, सुधर जाऊंगा। एक मौका तो दे अपने बेटे को। बिल्कुल नहीं, तुझे एक मौका भी नहीं मिलेगा। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसे। ए, वो तो नहीं नाटक, चल। रुकिए इंस्पेक्टर साहब। मम्मी जी, ये बेटे हैं आपके और पति है मेरे, मुझे जेल नहीं भेज सकते। इंस्पेक्टर साहब माफ कर दीजिए, हम अपनी कंप्लेन वापस लेते हैं। अरे मम्मी, ये लेकिन बिल्कुल नहीं बदलेंगे, और अगर इन्हें जेल नहीं भेजा ना तो ये आपको ही जान से मार देंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं बदल जाऊंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा। ठीक है, मैं एक शर्त पर अपनी कंप्लेन वापस लूंगी, अगर तू शराब छुड़ाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र जाएगा और अपनी इस घटिया आदत का इलाज करवाएगा। हाँ मैं जाऊंगा नशा मुक्ति केंद्र, मैं जाऊंगा, चला जाऊंगा मां। इंस्पेक्टर साहब हमें माफ कर दीजिए, हम अपनी कंप्लेन वापस लेते हैं, शुक्रिया। ठीक है, चलो। किसी भी चीज की लत लगना एक बीमारी है जिसे अंग्रेजी में एडिक्शन कहते हैं। इसकी शुरुआत ज्यादातर मानसिक तनाव से होती है, इसलिए अगर कोई इस तनाव से गुजर रहा हो तो हमें उसके साथ बैठकर बात करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो उन्हें काउंसलिंग के लिए भेजना चाहिए। इस लत से लड़ने के लिए हमारे समाज में कई नशा मुक्ति केंद्र भी है जहां पीड़ित को काउंसलिंग के साथ साथ दवाइयां भी दी जाती है। इसलिए अक्सर शराब की लत से लड़ने में वही लोग सफल होते हैं जो अपने मन के पक्के इरादे से इस बीमारी को पीछे छोड़ना चाहते हैं, एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं। राकेश ने नशा मुक्ति केंद्र यानी रिहैब जाने के लिए तब माना जब उसके सामने सिर्फ दो ही रास्ते थे, रिहैब या जेल। क्या वो सच में इस बीमारी को पीछे छोड़ेगा या ये सिर्फ जेल जाने से बचने का एक छलावा था? कि आगे जाएगा अभी मेरी क्यों नहीं है मम्मी जी का, दादी हमेशा चीटिंग करती है। अरे मैं चीटिंग नहीं करती। पाँच इनको मारो, इनको मारो। आप पाँच, एक दो तीन चार पाँच। लो सिक्स आ गया मेरा। अरे मेरी चीटिंग नहीं करती। अरे ऐसे कैसे सब करा दादी? अरे ऐसे कैसे सब। आपका तो अल्कोहल एडिक्शन कोर्स 14 डेज का था, फिर आप जल्दी कैसे आ गए? मैं ठीक हो गया ना। वो पता है सोनल, पहले शराब के बिना अधूरा लगता था मुझे, अब ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगा कि जब मैं ठीक हो गया हूँ और चार दिन क्यों रुकना है, खामखा पैसे बर्बाद करने है ना, तो मैं चला आया माँ। लेकिन बेटा 14 दिन का कोर्स पूरा करके आना चाहिए था ना। माँ तेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है, कोई शराब नहीं, कभी नहीं, मैं फ्रेश होता हूँ। अभी पापा झूठ बोल रहे हैं, पर मुझे लगता कि ये बदलें या बदलना भी चाहते। करण, हर बार अपने पापा पर शक क्यों करता है तू, कभी तो भरोसा कर। माँ भरोसा उन पे किया जाता जो भरोसे के लायक हो, और ये चैन कहाँ चली गई?
ये बाहर तो नहीं गिर गए? आप शराब पी रहे? आपने तो मना किया था ना कि आप शराब को हाथ तक नहीं लगाएंगे। तो शराब थोड़ी पी रहा हूं, ये देख एक पैग है, चोकिया पी रहा हूँ। अब लोग सेलिब्रेट करने के लिए भी तो शराब पीते हैं ना। आज आप क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? आपको तो ना कोई नौकरी मिली है, नौकरी तो दूर की बात, आपको तो इंटरव्यू के कॉल्स तक नहीं आ रहे। क्या बोली तू? 18 साल से तेरे खर्चे दे रहा हूँ, अपनी ट्यूशन में 10 बच्चे पढ़ाकर ये घर नहीं चला सकती तू? देखिए, मेरा कहने का मतलब ये था कि बस अब शराब को हाथ मत लगाई। देखा माँ, मैंने कहा था ना ये बदलने उदलने वाले नहीं है। और आपके पास शराब की बोतल खरीदने के पैसे कहाँ से है? वो मेरी माँ की चेन बेचती। देखा माँ, आपके चुप रहने का नतीजा आज इनमें इतनी हिम्मत आ गई कि शराब की बोतल खरीदने के आपके गहने बेच रहे हैं, कल ये घर बेच देंगे। फैक्ट्री तो अपनी फैमिली को बेच सकते, इतने घटिया आदमी है। घटिया बोलता है मुझे? जी आपको अपना बाप कहते हुए शर्म आती है? आज मैं हमारे रिश्ते का लिहाज नहीं करूंगा। अपने बाप पर हाथ उठा रहा है? इतना बड़ा हो गया तू? होगा मैं बड़ा? मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इस आदमी के साथ रहना मालिक के साथ खतरनाक है। लेकिन आप भी तो मुझसे बड़ी हो ना, आपको ये सब सच नहीं दिख रहा है? आप एक नंबर की स्टूपिड हो, स्टूपिड। और इसके बाद भी अगर आपको इस घटिया आदमी के साथ रहना है तो रहो, मुझे नहीं रहना है, मरो। करण, करण बात सुन मेरी। क्या हुआ, रो क्यों रहे? क्या हुआ? सॉरी यार, मुझे पता नहीं था कि तेरे घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, वरना मैं तुझे कभी विस्की ऑफर नहीं करता। आई एम सो सॉरी यार। यार सूरज, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं मम्मी को कैसे समझाऊं। आई अंडरस्टैंड। एक्चुअली ना एक आइडिया है, मेरे ना एक अंकल है जो तेरी हेल्प कर सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम्स को कंसल्ट करते हैं और उनके लिए ना फ्री में कोर्ट केस भी लड़ते हैं। कोर्ट केस? हाँ, एल्यूमिनी और डिवोर्स के लिए मोस्टली हाउसवाइफ ऐसी सिचुएशन में अपनी फैमिली और पैसों की वजह से डिवोर्स नहीं लेते, और ऐसी सिचुएशन में कोर्ट और ऑलमाइटी उनकी हेल्प करते हैं। मेरे अंकल तुझे ये सब ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। तू मेरे साथ चल, मैं तुझे लेके चलता हूँ उनके पास। चले चल। ठीक, क्या हुआ बहू? मम्मी जी, करण अब तक घर नहीं आया, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही, कहीं वो सच में तो घर छोड़कर नहीं चला गया ना? नहीं बहू, ऐसा नहीं है, आ जाएगा, तुम परेशान मत हो। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो देखो करण आ गया। कहाँ चला गया था तू? मुझे तेरी कितनी चिंता हो रही थी। और ये पेपर कैसा है तेरे हाथ में? ये आपके और पापा के डाइवोर्स पेपर्स हैं। मेरे फ्रेंड सूरज के अंकल से मिलने गया था, वो डाइवोर्स लॉयर हैं, आप जैसे डोमेस्टिक विक्टिम्स की बहुत हेल्प करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा भी है कि हमारा केस बहुत स्ट्रांग है और वो डाइवोर्स के साथ साथ एलिमनी को प्रॉपर्टी में हिस्सा भी दिलाएंगे। पागल हो गया क्या तू? डाइवोर्स, एलिमनी, सब क्या बोल रहा है? माँ आप इतना ज्यादा मत सोचो, बस आप पेपर्स में साइन करो, बाकी मैं सब कुछ संभालूंगा। डाइवोर्स? दिमाग तो ठीक है ना तेरा? मैंने तुझे समझाया था ना कि हमारी सोसाइटी में औरतें डाइवोर्स नहीं लेती, डाइवोर्स लेना गलत है। और पापा जैसे लोगों के साथ रहना वो गलत नहीं है?
करण आ गया तू। देखा मैंने कहा था ना कहीं नहीं जाएगा ये, घर से भागने की हिम्मत नहीं है इसमें। सुबह से सास बहू ने दिमाग खा रखा है मेरा। ये क्या? डिवोर्स। इतनी हिम्मत आ गई तुझमें? डिवोर्स लेगी तू मुझसे? मेरी बात सुनिए। डिवोर्स पेपर्स मम्मी नहीं, मैं लेकर आया हूँ। आपको जो कुछ कहना और करना मेरे साथ करिए। हेलो पुलिस कंट्रोल रूम, मैंने मेरे पति का खून कर दिया। एक औरत जब घरेलू हिंसा जैसे जुर्म सहती है, उसकी अक्सर दो वजह होती है। एक कि वो अपने परिवार को तोड़ना नहीं चाहती, दूसरी कि हमारे समाज में राकेश जैसा आदमी जो शराब पीकर अपने बीवी बच्चों को मारता है, उस पर कम सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन एक औरत के डाइवोर्स लेने पर हजार सवाल उठते हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह भी है कि हमारी आज की युवा पीढ़ी बदल रही है, इस मानसिकता के खिलाफ आवाज उठा रही है। जो बात सोनल ने सोची भी नहीं, वो करण ने सोची। अपनी माँ और दादी को बचाने के लिए डाइवोर्स के पेपर्स लेकर आया। लेकिन अफसोस, सोनल इस बारे में सोच पाती उसके पहले उसे अपने बेटे की जान बचाने के लिए इतना संगीन कदम उठाना पड़ा। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ दोस्तों, जुर्म की पहली आहट पर ही आवाज उठाए, क्योंकि जुर्म बर्दाश्त करना आपको और आपके परिवार वालों को बहुत महंगा पड़ सकता है। इसी के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ, इस वादे के साथ कि एक और सच्ची घटना के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सेफ रहे, अलर्ट रहे और देखते रहे क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।